हाय, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? ये एक न्यू कियोस्क है जो आज हम डिलीवर कर रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये कियोस्क बेसिकली चाइनीज़ और स्नैक्स फूड, फास्ट फूड इसके लिए बनाया गया है। काफ़ी अच्छा इनोवेटिव नाम रखा गया है, बेस्टॉस। एंड आप देख सकते हैं, हाई ग्लॉस फिनिश में ये सारा इस पर काम किया गया है। ये एक 5x7 का कियोस्क है। इसमें दो व्हील्स फिक्स्ड हैं और दो व्हील्स रिवॉल्विंग है। आप साइड से भी देख सकते हैं, इसमें वाटर कनेक्शन बेसिकली है कि ये मिनी फूड ट्रक या मिनी कियोस्क, चाइनीज़ वैन सेटअप मैं कहूँगा। देख सकते हैं कॉर्नर फिनिश से भी। अभी मैं इस कार्ट का आपको एक बार पूरी लाइटिंग ऑन करके दिखाता हूँ। आप देखिए कि लाइटिंग ऑन होने के बाद ये कैसा दिख रहा है। लाइट्स ऑन होने के बाद आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा ब्राइट है ये। अगर हम इसके ग्लोबोर्ड की बात करें, बहुत ही ज़्यादा ग्लोबोर्ड ब्राइट है। पास में चलते हैं इसके ग्लोबोर्ड के। काफ़ी लाइटिंग है बोर्ड में। एंड हमेशा की तरह हम लोगों ने इसमें, अगर आप देखें तो, वाटरप्रूफ स्ट्रिप लाइट्स दी हैं चारों तरफ कार्ट के, काफ़ी प्रोमिनेंट लुक के लिए। चारों तरफ से ये आपको कार्ट दूर से ही दिखनी शुरू हो जाएगी। ये पूरी जो लाइटिंग है ये पीछे तक कंटिन्यू होती है। अगर आप देखें, ये इसकी डोर साइड है। अभी हम इसमें अंदर भी जाएंगे। एंड मैं ये वाला जो डोर आप ओपन देख रहे हैं, मैं इसका भी आपको पर्पस बताऊंगा कैसा है। पीछे तक ये पूरी लाइटिंग इसमें जा रही है। सो आप देख सकते हैं लाइटिंग ऑन होने के बाद इसने अपने आप में कितना एरिया लिट अप कर दिया है। सो जहाँ भी ये कार्ट खड़ी होगी, चाहे वहाँ लो लाइट हो चाहे तेज़ रोशनी हो, ये अपनी पहचान अपने आप खुद बना लेगी। अब मैं आपको ये कार्ट पूरी एक बार खोल के दिखाता हूँ। ये इसकी फ्रंट विंडो है। फ्रंट विंडो आप देख सकते हैं। फ्रंट विंडो खुलने के बाद इसमें अभी हम लोगों ने हाइड्रोलिक शॉकर पे ओपन करी है। हम इसमें मैनुअल शॉकर लगाएंगे। मैनुअल शॉकर को आप अपने आप किसी भी लेवल पे सेट कर सकते हैं। एंड ऐसे ही इसके अंदर पीछे की भी विंडो दी गई है। एंड साइड प्रोफाइल में भी विंडो है। ये पीछे विंडोज़ इसलिए दी गई है क्योंकि चाइनीज़ काम में हम लोग सब जानते हैं कि काफ़ी ज़्यादा हाई फ्लेम पे काम होता है, काफ़ी स्मोक आती है उसमें। इसमें ऐसी कोई दिक्कत ना आए, इसलिए हमने ये विंडो दी है। आइए मैं एक बार इस कार्ट का आपको अंदर से वॉक अराउंड देता हूँ। अंदर से आप देख सकते हैं कितनी ब्यूटीफुल एंड कितनी नाइसली डिज़ाइंड ये कार्ट लग रही है। साइड प्रोफाइल की बात करें, आप देख सकते हैं यहाँ से। एंड सामने की तरफ आप देखें, एक छोटा सा सिंक का प्रोविज़न दिया गया है। यहाँ भी अगर आप देखें, एक छोटी सी वर्किंग शेल्फ, दो ड्रॉर्स दिए गए हैं। अंदर चलते हैं। फर्स्ट इम्प्रेशन, ये मेन स्विच है। मैंने फ़ैन्स ऑफ कर दिए क्योंकि डिस्टर्बेंस आ रही थी काफ़ी। ये हमारी मेन MCB है, स्विच, सॉकेट्स, एग्जॉस्ट फैंस। ये यूटिलिटी पैंस, बेसिकली GN पैंस लगाए गए हैं, मीज़ा बोल्स या हमारी जो भी सैलेड्स वगैरह हैं उन सब के लिए। ये काफ़ी बड़े साइज़ का फ्रायर दिया गया है इसके अंदर, आप देख सकते हैं काफ़ी बड़े साइज़ का फ्रायर है। उसके बाद इसमें एक चाइनीज़ वोक लगाया गया है, चाइनीज़ वोक बर्नर। जितने भी हमारे चाइनीज़ लाइन के लोग होंगे वो जानते होंगे इस बर्नर का क्या फ़ायदा होता है। बेसिकली ये बर्नर हम लोग जो वोक्स यूज़ करते हैं, और इसमें जो बर्नर लगाया गया है वो स्ट्रेट फ्लेम फेंकता है, तो ये वोक बर्नर उस लिए लगाया जाता है। ये हमारा जनरल इंडियन बर्नर। ये एक छोटी सी हॉट प्लेट, बेसिक सिंक कम्युनिटी। ये हमारी दो शेल्फ्स आ गई, एक स्विच बोर्ड, यहाँ एक काफ़ी क्यूट सा फ़ैन, एक फैन यहाँ, दो स्विच सॉकेट्स यहाँ पर, दो यूटिलिटी ड्रॉर्स और ये शेल्फ हमारी। काफ़ी छोटी सी कार्ट में मैं बोलूँगा काफ़ी स्पेशियस हम लोगों ने अरेंजमेंट किया है। ये डोर इस तरह से बंद हो जाता है। एंड बंद होने के बाद बेसिकली ये कुछ इस तरह का लुक आता है इसमें। इससे फ़ायदा ये है कि तीनों चारों साइड से अगर आप देखें, पूरी कार्ट में वेंटिलेशन रहती है। एंड आपकी एक प्राइवेसी भी बनी रहती है। बात करें इसके बैक साइड पे, बैक साइड पे चलते हैं। बैक साइड से भी अगर हम देखें, काफ़ी अच्छे एग्जॉस्ट के लिए आउटलेट्स काटे गए हैं। एंड कुछ इस तरह का लुक नाइट में आपको बैक साइड से आएगा।
अब आते हैं हम इसकी दूसरी साइड पर। यहाँ पर सारी हमारी वाटर पाइप्स आ रही हैं, ऊपर इस पे टैंक रखा गया है और स्टोरेज बनाई गई है सामान वगैरह रखने के लिए। एंड सामने का लुक तो आप लोग सब देख ही रहे हैं, कितना अमेजिंग इसका लुक आ रहा है। सो होप करता हूँ आप लोगों को ये कार्ट अच्छी लगी है। अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। ऑल्सो अगर आप इस टाइप की कार्ट बनवाना चाहते हैं तो हमारे से इस नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। बात करें इस कार्ट की प्राइसिंग की, सो ये कार्ट 2,45,000 रुपीज़ से स्टार्ट हो जाती है एंड आप इसको अपने हिसाब से कस्टमाइज़ भी करवा सकते हैं। थैंक यू।